To whom do you ask for your needs? This lesson is also about a kid who asks his needs to God. So let's start. Name of the lesson is Tum Kaun Ho? Who are you? यह कहानी ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास को पक्का करती है. भगवान हमेशा किसी भी मुसीबत में सहायता के लिए हमेशा किसी न किसी रूप में उपस्थित होता है. किसी जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए. गरीब बालकों स्त्री की सहायता को देखकर पूछने लगता है कि क्या वह भगवान की पत्नी है. वह ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि वह भगवान से ही जूते मांग रहा था और औरत ने उसे पूरा किया. आज का सार. सर्दियों के दिन थे. एक छोटा लड़का नंगे पैर जूते का दुकान के बाहर खड़ा जाग रहा था. एक महिला ने उसने पूछा कि क्या देख रहे हो. लड़के ने बताया कि भगवान से अपने लिए एक जोड़ी जूते मांग रहा हूँ. स्त्री को पता चला कि वह मंदिर के बाहर अपने छोटे भाई के साथ रहता है. तो वह उसे दुकान स्त्री को पता चला कि वह मंदिर के बाहर अपने छोटे भाई के साथ रहता है. तो वह उसे दुकान के अंदर ले गई. उसने उस बच्चे के पैरों को गर्म पानी से धोए और तौलिया से पोछे. उसे मोजे और जूते दिलवाया. वह बोली, तुम पहले से बदतर लगा रहे हो. लड़के ने हामी भरी. वह बोला, तुम कौन हो. पर स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया. बस प्यार से उसे देखती रही. बालक ने फिर से सवाल किया, क्या तुम ईश्वर के पत्नी हो. He is always there is some friend to help his creations, helping the needy to great devotion to God. In the end of the boy questions the woman, are you God's wife? Which touches the reader's heart. Hi children, samajhe this lesson? Okay, bye bye. See you next class.